Hello everyone, welcome to Science Veda. So today we're going to discuss about chapter 5, morphology of flowering plants of class 11 biology. तो इस chapter में हम discuss करेंगे कि जो flowering plants होते हैं उनकी morphology कैसी है. Morphology मतलब उनके बाहर का structure कैसा है, form, size, ये जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फॉर्म, मतलब उनकी फॉर्म कैसी है, साइज कैसा है, कलर कौन सा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और रिलेटिव पोजिशन कैसी होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनके जो वेरियस पार्ट्स है जैसे कि स्टेम, लीफ, तो फ्लावर्स, इनकी पोजिशन कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में. ये हम पढ़ते क्यों हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है मॉर्फोलॉजी की. नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ इसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मॉर्फोलॉजी पता होनी उसकी ज़रूरी है, तभी हम किसी प्लांट को पहचान पाते हैं. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन स्पीशीज. अब जैसे तुलसी है, तुलसी के भी एक दो अलग से स्पीशीज़ होती हैं, तो उनके लीव से हम उनके स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कैसा है और कौन सी स्पीशी है वो. देन डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल्स. और हमें क्या पता चलता है कि उनमें अगर कोई कमी आई है या उनके जो टॉक्सिक नेचर है उसके सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है कि उनमें चेंजेस आए हुए हैं. और वो चेंजेस आते क्यों हैं, क्योंकि उनमें मिनरल्स की या तो शॉर्टेज हो जाती है या वो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं इन वजह से. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉर्फोलॉजी के दैट यू हैव टू लर्न फॉर एग्जाम. पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्लावर का, पूरे प्लांट का. तो दिस इज़ द फ्लावर. नेक्स्ट इज़ द फ्रूट. ये जो ग्रीन कलर की आप लॉन्ग देख रहे हो स्टेम होती है ये. लीफ, लीफ जो है ये इसमें शूट सिस्टम में आ जाता है ये सारे पार्ट्स. फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ. जो शूट सिस्टम है वो होती है स्टेम वाला पार्ट सारा. स्टेम के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और जो रूट्स के ऊपर होती है उसको क्या बोल देते हैं, रूट सिस्टम. मतलब दिस इज़ द लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को शूट सिस्टम बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं. फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ. इसके अलावा और क्या आ जाता है इसमें, नोड्स, बड. बड क्या होता है, जब ये दो जैसे लीव्स हैं इनकी जो स्टेम है इनके बीच में एक पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बड. यहाँ से और इनग्रोथ होती है उसकी. और नोड, एक नोड मतलब यहाँ से जैसे कि ये लीव की निकली हुई है एक साइड पे, एक यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते थे, दो नोड्स के, इंटरनोड. उसके बाद आ जाते सॉइल के नीचे वाला पार्ट. एक होती है प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी है, उसके आगे ब्रांचेस जो आ जाती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी रूट्स. तो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स को मिला के यहाँ पे क्या बनता है, रूट सिस्टम. इसके अलावा यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हर एक के टिप पे, दैट इज़ रूट कैप. ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सारे वही पॉइंट्स हैं इसमें भी. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम बोल देते हैं और जो नीचे होता है अंडरग्राउंड वो होता है रूट सिस्टम. तो अब हम एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो रूट से स्टार्ट करते हैं, द रूट. अब इसके क्या फीचर्स हैं, इन डाइकोटिलीडन्स. डाइकोटिलीडन्स होते हैं वो फ्रूट्स जिसमें ऐसे दो कॉटिलीडन्स प्रेजेंट हो बाहर की साइड, जैसे कि एप्पल के केस में हम कर सकते हैं. इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल. रेडिकल मतलब जिससे रूट सिस्टम सारा ओरिजिनेट होता है. तो इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट्स. वो प्राइमरी रूट्स बनाते हैं विच बियर्स लेटरल रूट्स. प्राइमरी बनने के बाद यहाँ पे साइड पे ऐसे लेटरल रूट्स आ जाती हैं ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी रूट्स या फिर टर्शरी रूट्स. प्राइमरी रूट्स अलॉन्ग विद द लेटरल रूट्स फॉर्म्स द टैप रूट सिस्टम. क्योंकि ये नीचे है ऐसे टैप की फॉर्म में जा रहा है तो इसको टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें मस्टर्ड और ग्राम. मोनोकॉट्स में क्या होता है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने कि डाइकॉट में रूट्स कैसी होती हैं और मोनोकॉट्स में कैसी होती हैं.
primary root is replaced by large number of roots at its base of the stem to constitute the fibrous root system. तीन तरह के अब इसमें हम root system करेंगे. एक होता है tap root system, एक होता है fibrous root system और एक होता है adventitious roots. तो monocots में fibrous root system होता है, जैसे कि wheat में, गेहूं और rice इनमें. तो इसमें क्या होता है, जो large number of roots होती हैं वो बेस के ऊपर उसके प्रेजेंट होती है प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट्स की जगह ज़्यादा रूट्स लग जाती है बेस पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम. देन रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब बेस को छोड़ के और जो उसकी मेन इलोंगेशन है उसको छोड़ के अगर कहीं और पे रूट्स अराइज होती हैं बिसाइड द रेडिकल, उसको हम क्या बोल देते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स. एग्जाम्पल आ गई जैसे कि ग्रास होती है, बनियन ट्री, मेज, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं एडवेंटिशियस रूट्स के. तो ये आपको डिफाइंस याद करनी है फॉर द एग्जाम्स. मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का, कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है. बिकॉज सॉइल में पानी डालते हैं तो सॉइल से जो वाटर होते हैं या मिनरल्स होते हैं फ्रॉम द सॉइल वो ऊपर जाते हैं रूट्स में और रूट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करता है. प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, एंकरेज मतलब उसको बेस प्रोवाइड करते हैं, जड़ से कैसे वो जुड़ा रहता है, दैट इज़ थ्रू द रूट. अगर रूट ही प्रॉपर नहीं होएगी, बेस उसका प्रॉपर नहीं होएगा बना हुआ, तो वो टूट जाएगा प्लांट. एंड स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल्स, और जो भी रिजर्व फूड उनमें रखना होता है वो सारे रूट्स में रखते हैं. जब भी ज़रूरत पड़ती है या पानी कम होता है या मिनरल्स कम होते हैं, तो वो सारे सिस्टम, रूट का जो सिस्टम है वो उसको पानी, मिनरल सब कुछ प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को. नेक्स्ट इज रीजन ऑफ रूट्स. अभी हमने करे हैं जो भी टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो उनके अलावा यहाँ पे रीजन्स भी दिए हुए हैं, कैसे रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. ये प्रॉपर एक रूट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसके रूट हेयर्स लगे हुए हैं. एंड ये जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेट करती है रूट इससे और ज़्यादा. और यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट होता है, ये डिवाइड करा हुआ है थोड़ा सा, उसको क्या बोल देते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब जो सेल्स हैं यहाँ पे डिवाइड होते हैं. जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगे वैसे उसकी इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी. और एक पार्ट जो है रूट कैप, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट में रूट कैप प्रेजेंट होती है हर एक रूट की. तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं रूट्स के. द एपिक्स ऑफ द रूट इज़ कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू सॉइल. सॉइल में ये वाला पार्ट जाता है अंदर को. अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हैविंग स्मॉल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब छोटे छोटे सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करके और एक्टिविटी करके उसको इलोंगेट करने में हेल्प करता है. द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिविटी इज रीजन ऑफ इलोंगेशन वेयर सेल्स अंडरगो इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, मतलब वो लंबे होते हैं या बढ़ते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट. देन इज द रीजन ऑफ मेच्योरेशन, कंटेन रूट हेयर्स दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं रूट्स की. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर वन मार्क क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. अब रूट्स को मॉडिफाई कर दें थोड़ा सा, तो वो अलग अलग फॉर्म्स आ जाती हैं. जैसे कि फ्लैशी टैप रूट्स हैं, तो फ्लैशी टैप रूट्स में कॉनिकल शेप होती है, एक फ्यूजीफॉर्म होती है और एक नेपिफॉर्म होती है. तो इसमें कॉनिकल में एग्जांपल है, वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज़ कैरेट. जो कैरेट है उसकी जो शेप है वो ऐसे होती है, तो ये कॉनिकल हो जाती है. ये किससे बना हुआ है, मतलब इसका जो बेस जो बना होता है जहाँ से, ये दैट इज़ फ्रॉम द रूट, रूट्स में से कैरेट्स जो निकलती हैं. देन इज़ द रेडिश, गाजर मूली ये जो होती हैं इनकी जो भी शेप होती है दैट इज़ फ्रॉम द रूट्स. और टर्निप, शलगम जो होती है उसकी भी जो शेप है वो भी ऐसी होती है, वो भी रूट से ओरिजिनेटेड होती हैं. टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो मतलब जो शक्करकंद होती है, गेट स्वॉलन टू स्टोर द फूड, मतलब वो उनकी जो शेप है वो स्वॉलन होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग आई होती है, ऐसे फुली होती है वो, उसमें फूड स्टोर होता है इस वजह से. प्रॉप रूट ऑफ बनियन, स्टिल्ट रूट ऑफ मेज एंड शुगर केन, मतलब उनकी जो शेप है वो ऐसे ऐसे बनी होती है,
डिवाइड होता है पोर्शन, गन्ना हो गया जैसे कि, तो उनका एक स्पोर्टिंग रूट होती है नीचे कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम्स। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। टैप रूट्स किस में प्रेजेंट होती है? कैरेट, टर्निप, वन मार्क क्वेश्चन में आता है। प्रोप रूट्स बनियन में, और स्टिल्ट रूट्स मेज में और शुगर केन में होती है, तो ये वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन राइजोफोरा न्यूमेटोफोर्स जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द राइजोफोरा फॉर द रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जैसे बॉडी बनी हुई है तो उसके साइड पे ऐसे लगे होते हैं। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोज इन द स्वैम्पी एरियाज, जो गीली जगह होती है, थोड़ी सी चिकनाहट होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन चाहिए होती है इनको रिस्पायर करने के लिए। अब हमने करा था पहले रूट के बारे में। रूट से ऊपर, जैसे ये नीचे वाला पार्ट हमने स्टडी कर लिया, अब ऊपर वाला पार्ट देखते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में आ जाता है सबसे पहले स्टेम। स्टेम के अराउंड ही फिर सब कुछ लगा होता है, तो पहले हम स्टेम की स्टडी करेंगे। इट इज़ द असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर को जा रहा है, ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमिल ऑफ द एम्ब्रियो। रेडिकल से याद रखना, आर आ रहा है तो आर से रूट, रेडिकल से रूट उसकी ओरिजिन होगी, प्लूमिल से शूट की ओरिजिन होगी। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होते हैं, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अभी डायग्राम मैंने करवाया था। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न और आर कॉल्ड नोड्स एंड पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं, और जहाँ से लीव्स निकलते हैं उसको नोड्स बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस स्प्रेड करते हैं वो, लीव्स होते हैं उनके ऊपर, फ्लावर्स भी उनके ऊपर आते हैं, फ्रूट्स भी उनके ऊपर आते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को भी लेके जाते हैं ऊपर। अब रूट से जो भी वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में से मिलेंगे वो ऊपर कैसे जाएंगे, थ्रू स्टेम, फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी लीव्स में होनी है, तो वो पानी और जो भी चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, तो स्टेम उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, खाना भी इसमें स्टोर हो सकता है, सपोर्ट मिलती है इसको, प्रोटेक्शन भी यही देता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कोई भी अगर न्यू प्लांट ग्रो करने हैं तो वो जो अगर पार्ट कोई चाहिए तो वो भी स्टेम के थ्रू ही मिलेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। अब स्टेम को कैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे उसमें हमने कॉनिकल के लिए करा था, न्यू नैपी फॉर्म करा था, फ्यूजी फॉर्म करा था, तो ऐसे ही इसमें स्टेम्स की मॉडिफिकेशन दी हुई हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी जो अंदर होती है तो उसमें जैसे ये स्टेम है, ऐसे ये रूट्स होगी, ये स्टेम होगी, तो ये वाला पार्ट जो होता है उसका, इसको हम क्या बोल देते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इसमें से फाइव आगे मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि सक्कर, राइजोम, कॉम, ट्यूबर, बल्ब। तो मेन इनके क्या करने हैं आपको, एग्जाम्पल्स वन मार्क में आते हैं। एग्जाम्पल सक्कर का एग्जाम्पल होता है मिंट और क्राइसेंथीमम, राइजोम का आ गया जिंजर। अब शक्कर जो होता है, शक्कर मतलब कोई भी चीज़ शक करने वाली, वैसी शेप होती है उसकी, जैसे कि ये है तो यहाँ से शक होएगी वो, तो ऐसी शेप होती है। मिंट में हो जाती है ऐसे, पुदीना जो होता है वैसी फॉर्म में, वो जो उसका प्लांट होता है वो ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अदरक, राइजोम जिसको बोल देते हैं। देन उसके बाद कॉम, कोलोकेशिया आ गया, बिल्कुल वैसी शेप हो जाती है शलगम जैसी थोड़ी सी उसकी। देन ट्यूबर पोटैटो, पोटैटो में जो आप देखते हो बाहर ऐसे येलो कलर का बर्ड निकला होता है, छोटा सा ट्यूबर, उसकी फोम ट्यूब जैसी होती है। देन बल्ब, अनियन की शेप और गार्लिक, लहसुन की जो शेप होती है वो बल्ब फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंट अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस दी हुई हैं। देन उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड। मतलब सेम वही बताया हुआ है कि जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे पोटैटो में, जिंजर में और टर्मरिक, हल्दी में। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। सो ये वन मार्क क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो क्या काम करती है, पेरिनेशन का काम करती है इन अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब भी कंडीशंस उनके फेवर में नहीं होती, पानी ज़्यादा होता है या कम होता है, स्कैर्सिटी होती है, तो ये जो है खाना अंदर स्टोर करके रखती है, स्टोर करने की वजह से ये जो अनफेवरेबल टाइम पे उसको वो दे देती है यूज़ करने के लिए। स्टेम टेंड्रिल हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब एज इन कुकम्बर, पम्पकिंस एंड ग्रेप्स। स्टेम टेंड्रिल, जैसे कि ये स्टेम है तो इसके साथ ऐसे टेंड्रिल की फॉर्म प्रेजेंट होती है, ये क्लाइंब करने के लिए हेल्प करती है, कुकम्बर में भी, पम्पकिंस में भी और ग्रेप्स में ऐसे होता है। देन एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन सिट्रस एंड बुगेनविलिया। मतलब
जो सिट्रस और बुगनविलिया का प्लांट होता है, इसके बाहर ऐसे तीखे थॉर्न्स लगे होते हैं, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वुडी बन जाते हैं, मतलब वुड लाइक लगते हैं बाद में, और स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मॉडिफाई करा हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स को, एक्सिल में जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम टू फ्लैटन ओपंशिया। पंशिया भी एक प्लांट होता है, वो फ्लैट हो जाता है, जैसे एलोवेरा का होता है बिल्कुल चपटा सा होता है, वैसे होती है उसकी शेप, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया हैविंग क्लोरोफिल फॉर सिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब वो ग्रीन कलर के प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट इज लीफ, रूट, स्टेम, स्टेम के बाद क्या आ जाता है, लीफ। तो ये मेन स्ट्रक्चर है लीफ का। लीफ में क्या होता है कि ये इसके मेन पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लेमिना, मतलब उसका जो बेस होता है। देन कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, स्टिप्यूल से, ये स्टेम का पार्ट है, स्टेम की यहाँ से जो लीफ ओरिजिनेट होता है वहाँ से, उसको क्या बोल देते हैं, छोटा सा ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको स्टिप्यूल बोल देते हैं। जो डंडी होती है उसको पिटियोल बोलते हैं। देन एक्सिलरी बड्स से ये निकलते हैं, देन उसका जो बेस जहाँ से अटैच होता है उसको लीफ बेस बोलते हैं। लीफ इज़ अ ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है, डिससिमिलर मतलब मैच नहीं करता, एक्सोजीनस लेटरल फ्लैटन, लेटरल मतलब साइड से निकलता है, एक्सोजीनस बाहर की तरफ निकलता है, फ्लैट होता है आउट ग्रोथ, विच इज़ बॉर्न ऑन द नोड ऑफ अ स्टेम, जो कि स्टेम की नोड से निकलता है या फिर उसकी ब्रांचेज में से। और उसका मेन फंक्शन जिसके लिए वो स्पेशलाइज किया जाता है, दैट इज़ टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि लीफ का फंक्शन क्या होता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट मतलब स्टेम में से निकलता है, एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब ऐसे स्टेम पड़ी है तो एक लीफ यहाँ पे, एक ऐसे, तो अलग अलग ओरिजिनेट करते हैं, अलग अलग जगह से ओरिजिनेट करते हैं ये। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मेन थ्री पार्ट्स होते हैं लीफ में। एक होता है लीफ बेस, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है ये वाला, देन उसके बाद आ जाता है बाय लीफ बेस, देन इज़ द पिटियोल, पिटियोल ये जो स्टेम होती है उसकी, और लास्ट वाला पार्ट होता है लेमिना, ये वाला बेस जो होता है उसका। लीफ इज अटैच विद स्टेम बाई लीफ बेस, विच में बी अ टू स्मॉल लाइफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स मैंने बताया कि छोटा सा लीफ, लीफ के नीचे भी एक छोटा सा लीफ लगा होता है, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। वन मार्क क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्टिप्यूल। मिडल प्रोमिनेंट वीन इज कॉल्ड मिड वीन। अब जब भी हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लीफ का, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर में ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको क्या बोल देते हैं, मिड वीन। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट, रिजिडिटी मतलब सॉलिड बनता है उससे थोड़ा, जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं साइड्स पे ऐसे, तो इसकी वजह से इसको रिजिडिटी मिलती है, वरना ये मुड़ जाएगा, साइड से फोल्ड हो जाएगा। एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब स्टेम से जो भी आएगा, पानी वगैरह मिनरल्स आएंगी, वो सारी इसके थ्रू ही अंदर जानी है। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमिना इज कॉल्ड द विनिशन। मतलब अब ये जो वीन्स अंदर लगी हुई हैं, अब इनकी शेप ऐसे जा रही है या फिर दोनों पैरेलल जा रही हैं, इसके अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम, विनिशन। विनिशन आगे दो तरह की होती है, एक होती है रेटिकुलेट विनिशन, एक होती है पैरेलल विनिशन। रेटिकुलेट और पैरेलल अभी मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया है, जैसे ये लीफ बना हुआ है। वीनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क बना लेती है, जाल पूरा ऐसे, एक ऐसे, मतलब दोनों अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। बीन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल डाइकॉट, डाइकॉटिलेडन्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम, पी, जैसे कि मटर के दानों में, बीन्स में एंड मैंगो में। और पैरेलल विनेशन मतलब दोनों जो हैं वो ऐसे पैरेलल चलते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। सो बीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, इट इज़ प्रेजेंट इन मोनोकोट्स, ग्रास, बनाना, राइस एक्सेट्रा। तो ये वन मार्क में आते हैं क्वेश्चन, या डिफाइंस या फिर इनका डिफरेंस पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स की आगे दो टाइप्स है, एक होते हैं कंपाउंड लीव्स, एक होते हैं सिंपल लीव्स। जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होएगा वो सिंपल लीव्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स, एक होते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं विद स्ट्रक्चर, पिनेटली एंड पामेटली, इनका भी डिफरेंस आता है एग्जाम्स में। अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लेमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। मतलब जैसे कि जो लीफ है, अगर वो सिंगल है और डिवाइड नहीं है उसका जो लेमिना, अनडिवाइडेड है
लेमिना इन द सेंस बेस जो है उसका डिवाइड नहीं करा हुआ, बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, इसको सिंपली बोलते हैं द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिब। जो इंसिजन्स हैं वो आगे मिड रिब को टच नहीं कर रही हैं, मतलब यहाँ तक रखी हुई हैं, बस यहाँ तक नहीं आ रही इस पॉइंट तक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लीफ। एग्जाम्पल आ गया मैंगो, गुआवा, इनमें होता है ऐसे। देन आ गया कंपाउंड लीव्स, व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब, अगर वो मिड रिब तक कैसे पहुँच रही हैं तो उसको, एंड ब्रेकिंग इट टू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, बहुत सारे लीफलेट्स साइड में से ऐसे टूट रहे हैं, शेप आ रही है प्रॉपर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स। तो इसके आगे दो टाइप्स हैं, पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सेस कॉल्ड रेकिस। कॉमन एक्सेस मतलब सारे एक ही एक्सेस पे प्रेजेंट है ऐसे, तो ये जो एक्सेस है इसको क्या बोल देते हैं, रेकिस। एग्जाम्पल है नीम, नीम के केस में पिनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पत्तों की अगर आप शेप देखोगे तो वो ऐसी होती है। और जो पामेटली होते हैं, पाम जैसे हाथ है, तो एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब ऐसे जो शेप बनी हुई है तो एक ही पॉइंट से सारा सबने निकलना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पामेटली। जैसे कि सिल्क कॉटन के केस में होता है, उनके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे होते हैं। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब जो लीव्स हैं वो जैसे कि स्टेम के ऊपर लगे हुए हैं, ये स्टेम है, इसके ऊपर लीव यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो जैसे भी उनका अरेंजमेंट होता है, चाहे वो अल्टरनेट लगे हैं या पैरेलल लगे हैं, कैसे भी लगे हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, फाइलोटैक्सी। वन मार्क क्वेश्चन। अब ये आगे दो तरह की होती है, अल्टरनेट टाइप होती है, एक होती है ऑपोजिट टाइप। अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन चाइना रोज। चाइना रोज के एग्जांपल में आप देखोगे तो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, कि यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे फिर, यहाँ पे फिर, यहाँ पे। ऑपोजिट में क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से दो अराइज हो रहे हैं, कि यहाँ पे क्या पैरेलल होते हैं जो, दैट इज लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड ऑपोजिट टू ईच अदर इन गुआवा। गुआवा में ऐसे होता है। इन इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड, अगर एक से अब यहाँ पे दो ऐसे बन गए, इसके अलावा भी और आते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्ल, यहीं से और दो आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, एज इन एल्स्टोनिया। मतलब एक होती है अल्टरनेट, अल्टरनेट प्रेजेंट ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे वर्ल्ड में, मतलब दो से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तब। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक कन्वर्टेड टू टेंड्रिल, टेंड्रिल की शेप में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज एंड स्पाइंस। पीज में मतलब मटर के केस में ऐसे टेंड्रिल्स लगे होते हैं, और कैक्टस के केस में क्या होता है, स्पाइंस लगे होते हैं, तीखे तीखे, जैसे ये लीफ है तो इसके बाहर की साइड पे ऐसे स्पाइंस तीखे लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो छुपते हैं कैक्टस के प्लांट में। तो ये सारी क्या है, लीफ की मॉडिफिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब जैसे अभी हमने करा है कि लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, वैसे ही फ्लावर्स का भी अरेंजमेंट होता है, तो फ्लावर्स के अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर इन्फ्लोरेसेंस। द टू मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर रेजमोस एंड साइमोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, ये डिफरेंस में आता है क्वेश्चन, रेजमोस और साइमोस में क्या डिफरेंस है। द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, उसमें जो मेन एक्सेस होती है उसकी, यहाँ पे जैसे प्लांट है तो प्लांट का आगे फ्लावर लगा हुआ है, स्टेम के साइड पे ऐसे फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, तो मेन एक्सेस जो है उसकी कंटिन्यूसली ग्रो करती है। फ्लावर्स आर बोर्न लिटरली, साइड पे ऐसे ग्रो करते हैं वो, इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल मतलब होता है कि यहाँ पे साइड से ग्रो कर रहे हैं तो वो एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, और अगर बेस में से निकल रहे हैं उसके नीचे में से तो उसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें रेजमोस में रेडिश का और मस्टर्ड का सरो। देन उसके बाद आ जाता है मेन एक्सिस साइमोस में, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। प्रॉपर एक इसमें तो ग्रो करता ही रहता है वो पूरी लाइफ अपनी, इसमें वो ग्रो नहीं करता, इतनी लिमिटेड ग्रोथ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, वो साइमस अरेंजमेंट होता है। फ्लावर्स आर बोर्न इन द बेसिपिटल सक्सेशन, तो मैंने अभी बताया कि बेस से वो ओरिजिनेट होता है। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें जैस्मिन बुगेनविलिया, तो उनका प्लांट ही यहाँ पे होता है, पर्टिकुलर उनकी उतनी हाइट होती है, वही रहती है उनकी लाइफ टाइम में। स्टेम पहले रूट, देन स्टेम, देन लीफ। अब लीफ के बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर। फ्लावर का अरेंजमेंट हमने देख लिया, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको, तो फ्लावर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, उसके आगे भी पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्लावर सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन में इसी ने हेल्प करनी है, ऑफ द एंजियोस्पर्मिंग
प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 वॉल्स। जो भी एक टिपिकल फ्लावर होता है उसमें नॉर्मली 4 तरह के वॉल्स पाए जाते हैं। ऑन अ स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक, स्टॉक मतलब पेडिसल, डंडी, जिसके फ्लावर की डंडी बोलते हैं उसको पेडिसल कहते हैं, और या फिर जहाँ पे वो पार्ट थोड़ा सा ऐसे पेडिसल निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, थैलेमस। तो इसमें 4 वॉल्स कौन सी है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसको आप सेपल्स, पेटल्स बोलते हो, वो यही वाले पार्ट्स होते हैं। देन फर्स्ट, व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये टर्म है कि डिफाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, मेल के पार्ट जो होते हैं उसमें प्रेजेंट, और गाइनोशियम जो फीमेल के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंथोस्टिग्मा, फिलामेंट, ओवरी, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे, इनको बाइसेक्सुअल्स बोल देते हैं। एंड या तो उनमें एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो तो उनको क्या बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि सिंगल प्रेजेंट है उसमें गैमेट। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियाई पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक एज इन मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। तो इन्होंने बोला है कि जैसे कि कोई भी फ्लावर है, फ्लावर को चाहे ऐसे हम डिवाइड कर दें चाहे ऐसे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पे उनकी अगर सिमेट्री बिल्कुल सेम आती है, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर रिमेन सेम सेंटर में से पास करने पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। और ये किस केस में होता है, सरसों के केस में, दतूरा में और चिली में। एक्टिनोमॉर्फिक आपको 1 मार्क में डिफाइन आती है, इस चैप्टर में से डिफाइंस बहुत आती हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको टर्म्स रिमेंबर करनी होती है। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, अगर प्लांट ऐसे प्रेजेंट है तो ये वाला पार्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकली उन्होंने कहा है कि अगर वो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब था कि कहीं से भी पास करो तो इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, वो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। अगर वर्टिकल में सिर्फ डिवाइड हो रहा है इक्वल हाफ्स में तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, जैसे कि पी प्लांट में गुलमोहर, केशिया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5, दे आर ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस और पेंटामेरिस। इसका मतलब होता है फ्लोरल अपेंडेजेस का, जो अभी हमने वर्ल्ड करी हैं, अगर तो ऐसे पेयर्स में प्रेजेंट हैं, है ना, तो वो तो एक सिंपल होती है। इसके अलावा अगर 3 प्रेजेंट है, कहीं से 3 निकल रही हैं, तो उसको ट्राइमेरस बोल देंगे, 4 निकल रही हैं तो टेट्रामेरस बोल देंगे, 5 निकल रही हैं तो पेंटामेरस बोल देंगे। फ्लावर्स विद ब्रेक्ट्स, जो फ्लावर होता है प्रेजेंट, उसको जहाँ से उसकी पेडिसल निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोल देते हैं, ब्रेक्ट्स। अगर तो ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, अगर नहीं है तो ई ब्रेक्टिएट बोल देते हैं, ये भी 1 मार्क की डिफाइंस आती हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, अब जो फ्लावर हम पढ़ते हैं तो उसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है नीचे, फ्लावर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो उसकी वजह से ओवरी की पोजीशन के रिस्पेक्ट के थ्रू अगर हम देखें रिस्पेक्टिवली तो थैलेमस की पोजीशंस फ्लावर जो है वो अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो डिफरेंट फ्लावर्स कौन से आ जाते हैं इसमें, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपो मतलब बिलो, पेरी मतलब पेरीफेरी पे, एपी मतलब जो ऊपर की तरफ ऐसे प्रेजेंट हो, तो ये इनकी तीनों की डिफाइंस दी हुई हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, इसमें क्या होता है, ओवरी ऑक्यूपाइज, दिस इज द ओवरी, ये जो पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं, ओवरी ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन, तो इसमें ओवरी जो है वो हाइएस्ट पोजिशन पर प्रेजेंट होती है। द ओवरी इन सच केस इज कॉल्ड सुपीरियर, अगर हाइएस्ट पोजिशन पे है तो वो सुपीरियर होगी। हाइपो मतलब होता है बिलो गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम के सारे पार्ट्स बाकी नीचे, ओवरी सुपीरियर पे आ गई। एग्जाम्पल आगे मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। पेरीगाइनस, इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, मतलब जो गाइनोशियम ओवरी वाला पार्ट है बिल्कुल सेंटर पे ऐसे ग्रो कर रहे हैं, एंड अदर पार्ट्स आर ऑन द रिम एट द सेम हाइट, बाकी आप देख रहे हो ऐसे पेरीफेरी पे वैसे प्रेजेंट है, मतलब इसमें ओवरी सुपीरियर थी तो बाकी सारे पार्ट्स यहाँ से नीचे थे इसके, अब ये सारे इसके ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो इसको पेरीगाइनस फ्लावर्स बोल देंगे। अदर पार्ट्स आर ऑन द रिम एट द सेम हाइट, ओवरी इज कॉल्ड द हाफ इंफीरियर, सुपीरियर से थोड़ा सा नीचे कौन सा पार्ट आता है, हाफ इंफीरियर पे प्रेजेंट है। देन इज द एपीगाइनस, एपी मतलब मार्जिन पे प्रेजेंट है उसके।
मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज टू कम्प्लीटली कवर द ओवरी। अब इसमें ओवरी बिल्कुल अंदर आ गई और उसको ऊपर से सब ने कवर कर लिया, बंद होगी वो ऊपर से, तो ओवरी इज सेट टू बी इंफीरियर हेयर। इंफीरियर मतलब जो सबसे नीचे आ जाए, सुपीरियर जो सबसे ऊपर होता है। तो ये तीन तरह के फ्लावर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द ओवरी। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस वेदा।